राधे राधे आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 स्टेट्स व्हेन देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्संस हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्संस इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय एनी वन ऑफ देम इज अ रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्संस बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी टू इट। तो क्या कहता है यहां पर सेक्शन 10? सेक्शन 10 स्टेट्स जब आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के कि दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ कॉन्स्पायर कर रहे हैं या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं किस चीज के लिए, टू कमिट एन एक्शनेबल रॉन्ग या फिर टू कमिट एन ऑफेंस। टू कमिट एन एक्शनेबल रॉन्ग और टू कमिट एन ऑफेंस। अब कोई भी चीज जो कही गई है, करी गई है, लिखी गई है, उनमें से किसी भी एक पर्सन के द्वारा कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में, कब? उस समय के बाद जब उस इंटेंशन को उनमें से किसी एक पर्सन ने एंटरटेन कर लिया था, यानी जब उस इंटेंशन को किसी एक पर्सन के द्वारा एंटरटेन कर लिया गया था, उसके बाद अगर कुछ कहा गया है, लिखा गया है या करा गया है, तो ये अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट है हर उस पर्सन के अगेंस्ट जो कॉन्स्पायर कर रहे हैं, किस लिए? कॉन्स्पिरेसी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि पर्सन उस कॉन्स्पिरेसी का पार्टी है। ठीक है, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। When there is a reasonable ground to believe that two or more person have conspired together to commit an offence or an actionable wrong, जब आपके पास reasonable ground है ये बिलीव करने के कि दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ कॉन्स्पायर कर रहे हैं या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, किस लिए? या तो किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए या फिर किसी एक्शनेबल रॉन्ग को कमिट करने के लिए। अब आगे क्या बोला, एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी ऑफ सच पर्संस इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। अब कोई भी चीज जो कही गई है, करी गई है या लिखी गई है, उनमें से किसी भी एक पर्सन के द्वारा किसके रेफरेंस में? इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में। कब? आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय एनी वन ऑफ देम, यानी कब कही गई है, कब करी गई है, कब लिखी गई है? उस समय के बाद जब उस इंटेंशन को उनमें से किसी एक पर्सन ने एंटरटेन कर लिया था, यानी जब उस इंटेंशन को किसी एक पर्सन के द्वारा एंटरटेन कर लिया गया था, उसके बाद कोई भी चीज कही गई है, करी गई है या लिखी गई है। आगे क्या बोला, इज अ रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कंस्पायरिंग। तो ये क्या है अपने आप में? रेलेवेंट फैक्ट है हर उस पर्सन के अगेंस्ट जो कॉन्स्पायर कर रहे हैं, एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, और साथ में कॉन्स्पिरेसी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी टू इट, और ये दिखाने के लिए कि ये जो पर्सन है उस कॉन्स्पिरेसी का पार्टी था। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 10। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो सेक्शन 10 है ना, ये किस पे बेस्ड है? डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अगर आपने आईपीसी पढ़ा है तो आप इजीली इस चीज को कनेक्ट कर पाओगे। बिफोर डिस्कसिंग द सेक्शन इटसेल्फ वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 120 ए ऑफ द आईपीसी लेज डाउन, क्या ले डाउन करता है सेक्शन 120 ए आईपीसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में, कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन एग्री करते हैं कि टू डू इलीगल एक्ट और टू डू सम लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्पिरेसी। कहां पे के बारे में? 120 ए इंडियन पीनल कोड के अंदर। जब हम आईपीसी डिस्कस करेंगे तब उस चीज को देखेंगे। ओके, तो अभी इन्होंने बस मोटा मोटा जनरल सा आइडिया दे दिया है, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन एग्री करते हैं किसी इलीगल एक्ट को कमिट करने के लिए या फिर किसी लीगल एक्ट को कमिट करने के लिए लेकिन बाय इलीगल मींस, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्पिरेसी। कहां डिफाइन है? 120 ए ऑफ आईपीसी के अंदर। तो ये जो सेक्शन 10 है ये किस पे बेस्ड है? डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी पे। और कॉन्स्पिरेसी कहां डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 120 ए ऑफ आईपीसी। अब इसको देखते हैं। सेक्शन 10 इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट वन कैनॉट बी क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर्स। द वर्ड द कॉमन इंटेंशन सिग्निफाई अ कॉमन इंटेंशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम व्हेन द थिंग्स वर सेड डन और रिटन बाय एनी ऑफ देम। तो आगे इन्होंने क्या बोला,
कि सेक्शन 10 अपने आप में इस रूल का एक्सेप्शन है कि एक पर्सन को दूसरे के द्वारा किए गए एक्ट या स्टेटमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। किसका एक्सेप्शन है सेक्शन 10? कि एक पर्सन को दूसरे के द्वारा किए गए एक्ट या स्टेटमेंट के लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, इस चीज का सेक्शन 10 एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 10 है वो किस पे बेस्ड है? म्यूचुअल एजेंसी पे, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी पे ये सेक्शन 10 हमारा बेस्ड है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल यही तो होता है कि मैंने कोई एक्ट अगर कमिट किया है या मैंने कोई स्टेटमेंट करी है तो उसके लिए कोई और पर्सन या थर्ड पर्सन जो है रेस्पॉन्सिबल या लाइबल नहीं होगा। लेकिन जो सेक्शन 10 है वो हमारा म्यूचुअल एजेंसी पे बेस्ड है। इसका मतलब एक पर्सन अगर कोई एक्ट करता है या कोई स्टेटमेंट करता है तो उसके लिए आप दूसरे पर्सन को लाइबल ठहरा सकते हो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एजेंसी। द वर्ड द कॉमन इंटेंशन सिग्निफाई अ कॉमन इंटेंशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम व्हेन थिंग्स वर सेड डन और रिटन बाय एनी ऑफ देम। आगे उन्होंने क्या बोला कि कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब है? कॉमन इंटेंशन का वो मतलब है जो उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रही थी जब उनमें से किसी एक पर्सन के द्वारा वो चीज कही गई थी, करी गई थी या फिर लिखी गई थी। अब एक केस है केहर सिंह वर्सेस स्टेट। इस केस में ये एनालाइज किया गया था कि जो सेक्शन 10 है ये केवल तभी इफेक्ट में आएगा जब कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाएगा कि रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं ये बिलीव करने के लिए कि दो या दो से ज्यादा पर्सन ने कॉन्स्पिरेसी की है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए या फिर किसी एक्शनेबल रॉन्ग को कमिट करने के लिए। फिर आगे उन्होंने क्या बोला? देयर शुड बी प्राइमा फेसा एविडेंस दैट द पर्सन वाज अ पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी बिफोर हिज एक्ट्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिज को-कॉन्स्पिरेटर। यानी इससे पहले कि आप किसी पर्सन के एक्ट को उसके को-कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट यूज कर सको आपके पास प्राइमा फेसा एविडेंस होने चाहिए कि वो पर्सन कॉन्स्पिरेसी का पार्टी है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। If the condition let down therein are satisfied, the act done or statement made by one is admissible against the co-conspirator. यानी अगर ऊपर वाली condition पूरी हो जाती है तो act या statement जो किसी एक person के द्वारा किया गया है वो उसके co-conspirator के against admissible होगा। Section 10 जो कि एक exception है किसका? General rule का। क्या पढ़ा था हमने general rule? कि एक person केवल अपने ही act के लिए या अपनी statement के लिए liable होगा। लेकिन section 10 क्या है? इसका exception है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 किस पे बेस्ड है? डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। यानी एक पर्सन के एक्ट या स्टेटमेंट के लिए आप किसी दूसरे पर्सन को भी लायबल कर सकते हो। तो क्या बोलता है कि ये जो सेक्शन है एक्सेप्शन है जनरल रूल का। व्हाइल परमिटिंग द स्टेटमेंट मेड बाय वन कॉन्स्पिरेटर टू बी एडमिसिबल एज अगेंस्ट अनदर कॉन्स्पिरेटर, रेस्ट्रिक्ट इट टू बी स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द एजेंसी सबसिस्टेड। तो क्या बोला इन्होंने यहां पर कि ये एक कॉन्स्पिरेटर की स्टेटमेंट को अनदर कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट एडमिसिबल कर रहा है, इसलिए ये जो है जनरल रूल का एक्सेप्शन है। लेकिन ये केवल उन्हीं स्टेटमेंट तक रेस्ट्रिक्टेड है, उन्हीं स्टेटमेंट तक कन्फाइंड है जो आपने तब करी थी जब वो जो एजेंसी थी एग्जिस्ट करती थी या फिर सबसिस्ट करती थी। आगे इन्होंने क्या बोला? वंस इट इज शोन दैट अ पर्सन बिकम स्नैप्ड आउट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, कोई भी स्टेटमेंट जो करी गई है उसके बाद any statement made subsequent there to cannot be used as against the other conspirator under section 10. तो क्या बोलता है यहाँ पर ये कि एक बार ये दिखा दिया गया कि वो जो person है वो अब conspiracy का हिस्सा नहीं है, फिर कोई भी statement जो उसके बाद उस person ने करी है आप उस statement को बाकी conspirator के against use नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को जब हम diagram वे से समझेंगे तब इसको अच्छे से clear कर लेंगे, अभी के लिए बस इन चीजों को आप समझते रहिए। अब कोर्ट ने कुछ इंग्रेडिएंट्स एनालाइज करे हैं सेक्शन 10 के, इनको देखते हैं। तो ये स्टार्ट कहां से होता है कि देयर शैल बी प्राइमा फेसा एविडेंस अफोर्डिंग अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर अ कोर्ट टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन आर अ मेंबर ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो क्या बोलता है यहां पर कि सबसे पहले तो आपके पास प्राइमा फेसा एविडेंस होने चाहिए जो ये दिखाएं कि रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं कि दो या दो से ज्यादा पर्सन कॉन्स्पिरेसी के मेंबर है। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? इफ द सेट कंडीशन इज फुलफिल्ड, यानी ऊपर वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो कोई भी चीज जो कही गई है, करी गई है, लिखी गई है उनमें से किसी भी पर्सन के द्वारा कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में अब वो एविडेंस मान ली जाएगी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट। थर्ड क्या बोलता है? एनीथिंग सेट डन और रिटन बाय हिम शुड हैव बीन सेट डन और रिटन बाय हिम आफ्टर द इंटेंशन वाज फॉर्म्ड बाय एनी ऑफ देम। यानी कोई भी चीज जो कही गई है, करी गई है, लिखी गई है वो इंटेंशन के फॉर्म होने के बाद ही कही गई हो या फिर लिखी गई हो या फिर करी गई हो। ठीक है, ये सारी चीज हम ऑलरेडी सेक्शन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, बस इनको तोड़ तोड़ के यहां पर समझाया हुआ है।
अब आगे क्या बोलता है, इट वुड ऑल्सो बी रिलेवेंट फॉर द सेट पर्पस अगेंस्ट अनदर हु एंटर्ड द कॉन्स्पिरेसी वेदर इट वॉज सेट डन और रिटन बिफोर ही एंटर्ड द कॉन्स्पिरेसी और आफ्टर ही लेफ्ट इट। यानी वो जो सेट थिंग है, सेट थिंग का मतलब जो कही गई है या करी गई है या लिखी गई है, वो उस पर्सन के अगेंस्ट भी रेलेवेंट होगी जो उस कॉन्स्पिरेसी में तब शामिल हुआ था जब वो चीज ऑलरेडी कही जा चुकी थी या करी जा चुकी थी या लिखी जा चुकी थी, या फिर उस पर्सन के अगेंस्ट भी रेलेवेंट होगी जब वो चीज तब कही गई है, तब करी गई है, तब लिखी गई है जब वो कॉन्स्पिरेसी को छोड़ चुका है, ठीक है, आफ्टर ही लेफ्ट इट। तो कुल मिला के हम इसको ऐसे सम अप कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो कही गई है, लिखी गई है, करी गई है, उसके कॉन्स्पिरेसी में एंटर करने से पहले और उसके कॉन्स्पिरेसी को छोड़ने के बाद, तो वो जो चीज है आप उसको एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो। अगर ये वाला पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे तब आपको ये इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट कैन ओनली बी यूज अगेंस्ट अ को-कॉन्स्पिरेटर एंड नॉट इन हिज फेवर। ये केवल को-कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में यूज किया जाएगा, उसके फेवर में यूज नहीं किया जाएगा। देखो डायग्राम से समझते हैं उन चीजों को। सपोज करके चलिए ए और बी है, अब इन्होंने आपस में कॉन्स्पिरेसी कर ली है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए या फिर किसी एक्शनेबल रॉन्ग को कमिट करने के लिए, और जो बाकी की सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो अब यहां पर मान के चलिए ए ने कुछ कहा, ए सेड समथिंग, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये सी के अगेंस्ट रेलेवेंट होगी जिसने कि अभी कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन भी नहीं किया। बात समझ में आ रही है, मैं पूछ रहा हूं कि ए ने कुछ कहा, अब क्या ये जो स्टेटमेंट है ये सी के अगेंस्ट रेलेवेंट होगी जिसने अभी कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन भी नहीं किया। विल इट बी एनीथिंग सेड हो गया ना, ए सेड मीन्स एनीथिंग सेड, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है विल इट बी रेलेवेंट अगेंस्ट सी हु हैज नॉट ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी सो फार। तो आंसर इज यस। कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करने से पहले सी ने क्या कहा वो रेलेवेंट नहीं होगा ए और बी के अगेंस्ट, लेकिन ए और बी ने क्या कहा डेट विल बी रेलेवेंट अगेंस्ट सी। कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करने से पहले सी क्या बोलता है, जो सी है जिसने अभी ज्वाइन भी नहीं किया उसने क्या बोला, क्या किया, क्या कुछ कहा, वो सब रेलेवेंट नहीं होगा ए और बी के अगेंस्ट, लेकिन ए और बी ने क्या कहा, क्या किया, क्या लिखा, ये सब रेलेवेंट हो जाएगा सी के अगेंस्ट। अब यहां पर सपोज सी जो है ज्वाइन कर लेता है कॉन्स्पिरेसी को, अब सी ने चूंकि कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन कर ली है, अब सी ने सपोज करके चलिए कुछ कहा, लिखा या कुछ किया, तो क्या ये रेलेवेंट होगा बी और ए के अगेंस्ट, विल इट बी रेलेवेंट अगेंस्ट ए और बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्लियर, क्यों, क्योंकि अब जो सी है वो उस कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन कर चुका है। अब मान के चलिए सी ने उस कॉन्स्पिरेसी को छोड़ दिया, ठीक है, सी ने टर्मिनेट कर दिया, सी ने अपने आप को वहां से अलग कर लिया, यानी सी लेफ्ट। अब सी कुछ बोलता है, करता है या लिखता है, तो क्या जो सी का बोलना, लिखना या करना है वो ए और बी के अगेंस्ट रेलेवेंट होगा, विल इट बी रेलेवेंट अगेंस्ट ए और बी। तो आंसर इज नो। सी ने क्या कहा, क्या लिखा, क्या करा, वो ए और बी के अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन ए और बी क्या कहते हैं, क्या करते हैं और क्या लिखते हैं, वो सारी चीजें सी के अगेंस्ट रेलेवेंट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे सपोज करके चलिए ए और बी है, वो अभी भी उस कॉन्स्पिरेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने नहीं छोड़ा, खाली सी जो था उसने उस कॉन्स्पिरेसी से अपने आप को अलग कर लिया, और ए और बी अभी भी अपने आप में कंटिन्यूइंग है उस कॉन्स्पिरेसी को लेकर। तो अब यहां पर ए सेड समथिंग, ए ने या बी ने कुछ भी कहा, लिखा या किया, तो क्या ये सी के अगेंस्ट रेलेवेंट होगा, विल इट बी रेलेवेंट अगेंस्ट सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्यों, क्योंकि जो सी था वो कॉन्स्पिरेसी का पार्टी था, एस सी वॉज पार्टी टू कॉन्स्पिरेसी। तो बात समझ में आ रही है कि सी के ज्वाइन करने से पहले कोई भी चीज जो कही है, करी है, लिखी है, किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा, वो सी के अगेंस्ट रेलेवेंट है, लेकिन सी ने अगर कुछ कहा है, लिखा है या कुछ करा है कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन करने से पहले, वो चीज ए और बी के अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं होगी। इसी तरह जब सी उस कॉन्स्पिरेसी को छोड़ देता है, तो कोई भी स्टेटमेंट जो ए और बी ने करी है
वो सारी की सारी सी के अगेंस्ट तो रेलेवेंट मान ली जाएंगी, लेकिन कॉन्स्पिरेसी छोड़ने के बाद अगर कोई स्टेटमेंट या अगर कोई एक्ट सी करता है तो वो ए और बी के अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं होगी, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी है वो खत्म हो चुकी है सी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पर हम एक सिचुएशन और ले लेते हैं। सपोज करके चलिए कि बी ने भी उस कॉन्स्पिरेसी को छोड़ दिया, बी ऑल्सो लेफ्ट द कॉन्स्पिरेसी, मतलब खाली ए बच रहा है, ओनली ए इज रिमेनिंग। तो अब ए ने कुछ कहा, कुछ किया, कुछ लिखा, तो क्या अब ये रेलेवेंट होगा बी और सी के अगेंस्ट? विल इट बी रेलेवेंट अगेंस्ट बी एंड सी? तो आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि ए कभी भी अकेला कॉन्स्पायर नहीं कर सकता, और जो कॉन्स्पिरेसी है वो बी के छोड़ने के साथ ही खत्म हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? मैं इसका रीजन यहां पे लिख देता हूं, एस ए अलोन कैन नॉट कॉन्स्पायर। अकेला आदमी कॉन्स्पिरेसी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम दो मेंबर चाहिए, और इसलिए जो कॉन्स्पिरेसी है वो खत्म हो गई है, एंड हेंस कॉन्स्पिरेसी एंड्स। क्लियर? अब इसी में हम एक और सिचुएशन देख लेते हैं। सपोज करके चलिए बी ने कॉन्स्पिरेसी को नहीं छोड़ा, ए और बी अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ए और बी का अरेस्ट हो जाता है, पुलिस वाले ए और बी को अरेस्ट कर लेते हैं, तो अब क्या होगा भाई? अब क्या ए ने कुछ कहा है, कुछ किया है या कुछ करा है तो वो बी और सी के अगेंस्ट रेलेवेंट होगा? क्वेश्चन सुन में आ रहा है? ए और बी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है, अब कोई भी चीज जो ए कहता है, लिखता है या करता है वो क्या बी और सी के अगेंस्ट रेलेवेंट होगी? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अब वो जो कॉन्स्पिरेसी है वो उसके अरेस्ट होने के साथ ही खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब पोस्ट अरेस्ट स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट नहीं होगी अगर कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट, क्योंकि अरेस्ट होने के साथ ही जो आपकी कॉन्स्पिरेसी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे ही पार्टीज को अरेस्ट कर लिया गया, इमीडिएटली जो कॉन्स्पिरेसी है वो खत्म हो जाती है, जो कॉमन इंटेंशन है वो अपने आप में टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए अब कोई भी एक्ट जो पार्टी करती है, कोई स्टेटमेंट जो पार्टी देती है, वो सब बी और सी के अगेंस्ट यानी बाकी कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं माने जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा डायग्राम, अब इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। द एक्ट्स मस्ट बी कन्फाइंड टू द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, दैट इज बिटवीन द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम एंड द टाइम ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। यानी जो एक्ट एक्सेट्रा है वो कॉन्स्पिरेसी के पीरियड तक ही कन्फाइंड रहने चाहिए, मतलब इंटेंशन एंटरटेन करने के बाद से कॉन्स्पिरेसी के ऑब्जेक्ट के अकम्प्लिशमेंट तक, ये जो पीरियड है इस पीरियड के बीच में ही वो जो एक्ट एक्सेट्रा है वो किया गया हो। दोबारा से बता रहा हूं, इंटेंशन एंटरटेन करने के बाद से कॉन्स्पिरेसी के ऑब्जेक्ट के अकम्प्लिशमेंट तक, इतना जो पीरियड है यानी इस पीरियड के बीच की बात कर रहे हैं। क्लियर? यानी जो भी एक्ट वगैरह आपने किया हो वो इस पीरियड के बीच में किया हो। अब आगे क्या बोलता है? थिंग्स सेड डन और रिटन बाय कॉन्स्पिरेटर आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी हैड बीन कैरीड इनटू इफेक्ट एंड द कॉमन इंटेंशन वाज नो लॉन्गर इन ऑपरेशंस, एग्जाम्पल नैरेटिव ऑफ पास्ट एक्ट्स आर नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर। कितनी अच्छी चीज बताई है कि कोई भी चीज जो कही गई है, करी गई है, लिखी गई है कॉन्स्पिरेसी को इफेक्ट में लाने के बाद, यानी कॉन्स्पिरेसी को पूरा होने के बाद, आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी हैड बीन कैरीड इनटू इफेक्ट, यानी कॉन्स्पिरेसी जब पूरी हो चुकी थी और जो कॉमन इंटेंशन था वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं था या फिर ऑपरेशन में नहीं था, तब अब कोई भी चीज जो कही गई है, लिखी गई है, करी गई है, वो सब कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट एडमिसिबल नहीं माने जाएंगे, जैसे कि पास्ट एक्ट को नरेट करना। ठीक है, क्लियर हुआ ना? यानी कॉन्स्पिरेसी के गोल को अचीव करने के बाद और जब किसी भी तरह की आपके पास कोई कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अब कोई भी चीज जो कही गई है वो कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट
यूज नहीं की जाएगी। आगे का बोलता है, अंडर सेक्शन 10 एनीथिंग डन और रिटन बाय एनी ऑफ द कॉन्स्पिरेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन इज एडमिसिबल अगेंस्ट ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग दैट द कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग दैट अ पर्सन वाज अ पार्टी टू इट। यानी सेक्शन 10 में कोई भी चीज जो कही गई है, करी गई है, लिखी गई है किसी भी कॉन्स्पिरेटर के द्वारा कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में, वो एडमिसिबल मान ली जाएगी बाकी के को कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट। क्या प्रूव करने के लिए? दो चीजों को प्रूव करने के लिए। क्या क्या लिखा था सेक्शन में? कि भाई जो कॉन्स्पिरेसी है वो एग्जिस्ट करती है, और ये प्रूव करने के लिए कि जो पर्सन है ये कॉन्स्पिरेसी का पार्टी है। ये देखो, ये चीजें सेक्शन में क्लियर कट लिखी हुई है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी टू। दो चीजों को प्रूव करने के लिए। आगे क्या कहता है, इट मस्ट बी बॉर्न इन माइंड दैट एवरीथिंग सेड और डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर एट एनी टाइम विल नॉट बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 10। द सेक्शन पुट सर्टेन लिमिटेशन टू द जनरल रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी स्टेटेड अबव। अंडर सेक्शन 10 अ थिंग डन सेड और रिटन आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम इज रेलेवेंट। इफ द थिंग वाज सेड डन और रिटन इन द पास्ट दैट इज बिफोर सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम इट इज नॉट रेलेवेंट एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो क्या बोलता है यहां पर आगे, कि एनीथिंग सेड डन और रिटन, यानी कोई भी चीज जो कही गई है, करी गई है, लिखी गई है किसी भी समय, वो सेक्शन 10 में रेलेवेंट नहीं होगी। दैट मींस केवल वही चीज रेलेवेंट होगी जो कही गई है, करी गई है, लिखी गई है उस इंटेंशन के एंटरटेन होने के बाद। यानी जब वो इंटेंशन किसी एक पर्सन के द्वारा एंटरटेन कर लिया गया था, उसके बाद अगर कोई चीज कही गई है, करी गई है, लिखी गई है, तभी वो रेलेवेंट होगी। इसलिए ये जो लिमिटेशन है सेक्शन 10 ने पुट कर रखी है जनरल रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी पे। यानी हर स्टेटमेंट जो किसी भी समय आपने कह दी वो रेलेवेंट नहीं होगी, केवल तभी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी जब वो उस इंटेंशन के एंटरटेन होने के बाद कही गई है, करी गई है या फिर लिखी गई है। आगे क्या बोलता है, अगर कोई चीज कही गई है, लिखी गई है, करी गई है पास्ट में, यानी इंटेंशन के एंटरटेन होने से पहले, मीन्स किसी भी पर्सन के द्वारा उस इंटेंशन को एंटरटेन करने से पहले यदि कोई चीज कह दी गई है, कर ली गई है या फिर लिखी गई है, तो वो रेलेवेंट नहीं होगी एंड उसको आप प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि केवल वही चीज रेलेवेंट होगी जो कही गई है, लिखी गई है, करी गई है उस इंटेंशन के एंटरटेन होने के बाद। यानी जब वो इंटेंशन किसी एक पर्सन के द्वारा एंटरटेन कर ली गई थी, उसके बाद अगर कोई चीज कही गई है, लिखी गई है, करी गई है, तभी आप उसको रेलेवेंट मानोगे। आगे बोलता है कि things said done or written in reference to common intention, it must be borne in mind that the things said done or written by any one person will be admissible against him and others in a conspiracy case only when that thing is said done or written in reference to the common intention of the conspiracy. Anything written by a conspirator will not be admissible against him or others if it is not done in reference to the common intention of the conspiracy. वही चीज है, बस context बदल दिया है जिस तरीके से उन्होंने बोला है, बाकी कहना ये वही चीज चाह रहे हैं। तो क्या कह रहा है यहां पर भी, कि कोई भी चीज जो कही गई है, करी गई है, लिखी गई है, वो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी केस में केवल तभी एडमिसिबल होगी जब वो चीज कॉन्स्पिरेसी के कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कही गई है। यानी अगर कोई चीज कॉन्स्पिरेसी के कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में नहीं कही गई है, तो वो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट एज एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगी। तो आपको बस दो तीन चीजें पकड़ के रखनी है, जैसे कि केवल वही चीज रेलेवेंट होगी जो कही गई है, लिखी गई है, करी गई है उस इंटेंशन के एंटरटेन होने के बाद। इसी तरह जो चीज कही गई है, लिखी गई है, करी गई है, वो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी में केवल तभी एडमिसिबल होगी जब वो चीज कॉन्स्पिरेसी के कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कही गई है। तो ये कुछ दो तीन चीजें हैं जिसको आप एकदम पकड़ के रखना। आगे क्या बोलता है, द पर्पस ऑफ रेलेवेंसी इन सेक्शन 10 इज टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी और टू प्रूव दैट द पर्सन हु सेड और डिड दैट एक्ट वाज अ मेंबर ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। वही चीज है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पर्पस है रेलेवेंसी का सेक्शन 10 के अंदर वो क्या है, ये प्रूव करना कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो एग्जिस्ट करती है, या ये प्रूव करना कि जो पर्सन है जिसने वो एक्ट किया है, कहा है, वो उस कॉन्स्पिरेसी का मेंबर है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 10 की लास्ट दो लाइन में। अब आगे क्या बोलता है, कोर्ट कैन नॉट यूज एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय वन अलेज मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इन एविडेंस अगेंस्ट हिम और अगेंस्ट ऑल अनलेस देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द कॉन्स्पिरेसी बिटवीन देम एग्जिस्टेड। तो क्या बोलता है,
कोई भी चीज जो कही गई है, लिखी गई है, करी गई है कॉन्स्पिरेसी के किसी एक मेंबर के द्वारा, कोर्ट उसे दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर यूज नहीं कर सकता जब तक रीजनेबल ग्राउंड नहीं है ये बिलीव करने के कि उन दोनों के बीच में कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। आगे बोलता है, इट वुड ऑल्सो बी रेलेवेंट फॉर द सेट पर्पस अगेंस्ट अनदर हु एंटर्ड द कॉन्स्पिरेसी whether it was said done written before he entered the conspiracy or after he left it। अब ये जो चीज है ये relevant होगी उस person के against भी जिसने conspiracy में enter किया है, कब, जब वो चीज already कही जा चुकी है, करी जा चुकी है, लिखी जा चुकी है, यानी उसके conspiracy में enter करने से पहले already वो चीज अगर कही जा चुकी है, करी जा चुकी है, लिखी जा चुकी है, या फिर उसके conspiracy को छोड़ने के बाद अगर कोई चीज कही गई है, लिखी गई है, करी गई है। हमने पढ़ा था ना सी जो था, जब वो कॉन्स्पिरेसी में एंटर भी नहीं हुआ था तब भी जो भी स्टेटमेंट ए या बी ने कही थी कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में, तो वो जो स्टेटमेंट है सी के अगेंस्ट एविडेंस के तौर पे यूज की जा सकती है। ठीक है, इसी तरह सी जब कॉन्स्पिरेसी छोड़ चुका था उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट ए या बी ने करी है तब भी वो जो स्टेटमेंट है सी के अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर यूज की जा सकती है। लेकिन अगर सी ने कोई भी स्टेटमेंट करी है उस कॉन्स्पिरेसी में एंटर होने से पहले या कॉन्स्पिरेसी छोड़ने के बाद, तो वो जो स्टेटमेंट है या कोई भी जो एक्ट सी ने किया है वो ए और बी के अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर। अब केस जो है मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, ये इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको एक बार खुद से सेल्फ रीडिंग करेंगे। इसी तरह अफजल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2005 सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम पार्लियामेंट अटैक केस भी कहते हैं, इसको भी खुद से एक बार रीड कर लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, लेकिन मिर्जा अकबर वाले केस को आप अच्छे से रीडिंग देना। आगे बोलता है, टू मेक अ स्टेटमेंट रेलेवेंट अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट अ पर्सन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही मस्ट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी अदर्स एनविसेक्ड इन कॉन्स्पिरेसी। यानी सेक्शन 10 के अंदर किसी पर्सन के अगेंस्ट किसी स्टेटमेंट को रेलेवेंट करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उस पर्सन को बाकी सारे कॉन्स्पिरेसी में जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व है उनके बारे में पता हो। अगर आपने आईपीसी पढ़ी है तो आप इजीली इस चीज को कनेक्ट कर पाओगे। अब बोलता है कि जो पास ट्रांजैक्शन है जो कि कॉन्स्पिरेसी से अनकनेक्टेड है वो भी एडमिसिबल नहीं होंगे एविडेंस में, बेशक से वो सच ही क्यों ना हो। ठीक है, पास ट्रांजैक्शन जो कि कॉन्स्पिरेसी से अनकनेक्टेड है, दोनों चीज बोल दी, एक तो पास ट्रांजैक्शन और दूसरा प्लस अनकनेक्टेड विद कॉन्स्पिरेसी। भाई जब कॉन्स्पिरेसी से कनेक्टेड ही नहीं है तो कैसे रेलेवेंट हो जाएगा, कैसे एडमिसिबल हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि जो पास ट्रांजैक्शन है जो अनकनेक्टेड है कॉन्स्पिरेसी से वो एडमिसिबल नहीं होंगे एविडेंस के तौर पे। द वर्ड इंटेंशन इंप्लाइज दैट एक्ट इंटेंडेड इज इन फ्यूचर एंड द सेक्शन मेक्स रेलेवेंट ओनली सच स्टेटमेंट एज आर मेड बाय कॉन्स्पिरेटर विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर। तो इंटेंशन का क्या मतलब है यहां पर, द एक्ट इंटेंडेड इज इन फ्यूचर, और ये जो सेक्शन है केवल वही स्टेटमेंट को रेलेवेंट बनाता है दूसरे कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट जो कि फ्यूचर के रेस्पेक्ट में करी गई है। ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। आगे क्या बोलता है, इन द केस ऑफ आर वर्सेस पार्नेल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो सच नेसेसिटी दैट देयर शुड बी एक्सप्रेस प्रूफ ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी सच एज प्रूफ दैट द पार्टीज एक्चुअली मेट एंड लेट देयर हेड्स टुगेदर एंड देन एंड देयर एक्चुअली एग्रीड टू कैरी आउट अ कॉमन पर्पस। तो क्या बोलता है यहां पर कि कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको एक्सप्रेस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस प्रूफ यानी कि जैसे एक पार्टी जो है दूसरी से मिली है, उसके बाद उन्होंने सिर हिलाके एक दूसरे से एक्चुअली में एग्रीमेंट किया है उस कॉमन पर्पस को कैरी आउट करने के लिए, इस तरीके का प्रूफ आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी, संजू वर्सेस केरला में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 10 की जो कंडीशन है कि कब सेक्शन 10 जो है अप्लाई होगा, इसको एक्सप्लेन किया है। एक्ट और एक्शन ऑफ वन ऑफ द एक्यूज कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द अदर। However, an exception has been carved out under Section 10 of the Indian Evidence Act. The court must have reasonable ground to believe that two or more persons had conspired together for committing an offence. It is only then that the evidence of action or statement made by one of the accused could be used as evidence against the others. Supreme Court ne is case mein Section 10 ki condition ki applicability ko explain kiya hai. एक एक्यूज के एक्ट या एक्शन दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर यूज नहीं किए जा सकते, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 10 में गिवन है, और वो क्या है कि अगर कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के कि दो या दो से ज्यादा पर्सन ने कॉन्स्पायर किया है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए या किसी एक्शनेबल रॉन्ग को कमिट करने के लिए,
केवल तभी एक पर्सन की स्टेटमेंट या एक पर्सन की जो एक्शन है दूसरे पर्सन के अगेंस्ट एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, दीज वर्ड्स मीन्स दैट देयर मस्ट बी प्राइमा फेसाई एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द टू अक्यूज्ड एंड इट इज देन ओनली दैट एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनीवन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द अदर। तो क्या बोलता है यहां पर कि प्राइम एफेसा एविडेंस होने चाहिए कि दो एक्यूज के बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई थी और उसके बाद ही फिर कोई भी चीज जो कही गई है, लिखी गई है, करी गई है, उसको आप एविडेंस के तौर पे दूसरे को कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम व्हेन द थिंग वाज सेड डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर, हेंस एनी नैरेटिव और स्टेटमेंट और कन्फेशन मेड टू अ थर्ड पार्टी आफ्टर द कॉमन इंटेंशन और कॉन्स्पिरेसी वाज नो लॉन्गर ऑपरेटिंग And it ceased to exist is not admissible against the other party. तो कितनी अच्छी बात कह रहा है कि कॉमन इंटेंशन जो है एग्जिस्ट करना चाहिए उस टाइम पर जब वो चीज कही गई है, लिखी गई है, करी गई है किसी भी co-conspirator के द्वारा। इसलिए कोई भी नैरेटिव या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कन्फेशन जो थर्ड पार्टी को किया गया है, कब? कॉमन इंटेंशन खत्म होने के बाद या कॉन्स्पिरेसी के खत्म होने के बाद वो अदर पार्टी के अगेंस्ट एडमिसिबल नहीं होगा। क्लियर? एडमिसिबिलिटी एंड पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ऑन अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज्ड स्टेटमेंट मेड बाय अदर को कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट हिम आर नॉट एडमिसिबल एज द कॉन्स्पिरेसी हैड टर्मिनेटेड ऑन हिज अरेस्ट बाय हिम। व्हेन कन्फेशन वाज मेड बाय द अक्यूज्ड आफ्टर कॉमन इंटेंशन ऑफ पार्टीज वाज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 10 कैन नॉट बी इन्वोक्ड अगेंस्ट द को-अक्यूज्ड। तो कितनी अच्छी बात बोली यहां पर इन्होंने कि अक्यूज के अरेस्ट पर जो स्टेटमेंट अदर को कॉन्स्पिरेटर देता है उसके अगेंस्ट वो एडमिसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अरेस्ट के वक्त ही, अरेस्ट होने के साथ ही जो कॉन्स्पिरेसी है, जो कॉमन इंटेंशन है, वो टर्मिनेट हो जाती है। याद रखना इस चीज को, जैसे ही अक्यूज का अरेस्ट हो गया तो कोई भी स्टेटमेंट जो को कॉन्स्पिरेटर देता है उसके अगेंस्ट वो एडमिसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी है, जो कॉमन इंटेंशन है, वो अरेस्ट होने के साथ ही खत्म हो जाती है। फिर आगे बोलता है कि कॉमन इंटेंशन खत्म होने के बाद यदि अक्यूज कोई कन्फेशन देता है तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि चूंकि कॉमन इंटेंशन पार्टीज के बीच में खत्म हो चुकी है इसलिए आप उसको अदर को अक्यूज के अगेंस्ट यूज नहीं करोगे। क्या कहा? व्हेन कन्फेशन वाज मेड बाय अक्यूज आफ्टर कॉमन इंटेंशन ऑफ पार्टीज वाज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, यानी जब कॉमन इंटेंशन खत्म होने के बाद अक्यूज कन्फेशन देता है आप उसको अदर को एक्यूज के अगेंस्ट यूज नहीं करोगे। अब इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में कुछ डिफरेंस बता दिया इन्होंने, मैं केवल आपको क्रक्स बता देता हूं इसका कि इंग्लिश लॉ में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जबकि इंडियन लॉ में इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। क्लियर? इंग्लिश लॉ में क्या वर्ड यूज कर रखा है? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जबकि इंडियन लॉ में क्या यूज कर रखा है? इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। दूसरा डिफरेंस क्या है? इंग्लिश लॉ में वो एक्ट या डिक्लेरेशन जब वो उस कॉन्स्पिरेसी का मेंबर था तब किए जाने चाहिए, मींस तब ना क्यों जब वो उस कॉन्स्पिरेसी का मेंबर नहीं रहा हो या सीज हो गया हो। केवल तभी उसे अदर पर्सन के अगेंस्ट एडमिट करेंगे जब वो एक्ट या डिक्लेरेशन तब किए हो जब वो उस कॉन्स्पिरेसी का मेंबर था। लेकिन इंडियन लॉ की अगर हम बात करें तो इंडियन लॉ में जो एक्ट या डिक्लेरेशन है वो अदर पर्सन के अगेंस्ट एडमिट कर लिया जाएगा, फिर बेशक से वो जो एक्ट या डिक्लेरेशन तब किए गए हैं जब वो पर्सन जिसके अगेंस्ट हम उसको एविडेंस के तौर पे देना चाह रहे हैं उसने उस कॉन्स्पिरेसी को टर्मिनेट कर दिया था या फिर वो उस कॉन्स्पिरेसी का मेंबर भी नहीं था। एबीसी वाला अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो आप इसको इजिली कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है ना? अब आगे केस है, इसके बारे में क्या कहा है इसको मैं सीधा हिंदी में इंटरप्रेट कर देता हूं। इन्होंने कहा है कि एक बार यदि कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट करने से सीज हो जाती है तो कोई भी स्टेटमेंट जो फॉर्मर कॉन्स्पिरेटर ने करी है उस स्टेटमेंट को इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन नहीं मानेंगे। ठीक है? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक बार यदि कॉमन इंटेंशन सीज हो गई है तो कोई भी स्टेटमेंट जो आप करते हो वो इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन नहीं मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में पोस्ट अरेस्ट स्टेटमेंट, यानी अरेस्ट होने के बाद जो स्टेटमेंट आप पीओ को करते हो यानी पुलिस वाले को करते हो, चाहे वो कन्फेशन हो या चाहे वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट दिखाए, वो सेक्शन 10 में फॉल नहीं करेगी। ठीक है?
पे टेक्निकल क्वेश्चन भी आ सकता है मींस में, तो इसलिए मैं इस चीज पर बार बार फोकस कर रहा हूं कि पोस्ट अरेस्ट स्टेटमेंट जो भी करी गई है, यानी अरेस्ट होने के बाद आपने कोई स्टेटमेंट करी है, फिर चाहे वो कन्फेशन हो चाहे वो कॉन्स्पिरेसी में आपको इन्वॉल्वमेंट को दिखाए, वो सेक्शन 10 में फॉल नहीं करेगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अरेस्ट होने के साथ साथ जो आपकी कॉमन इंटेंशन थी या जो आपकी कॉन्स्पिरेसी थी वो टर्मिनेट हो गई। आगे क्या बोलता है कि पास्ट और फ्यूचर थिंग्स जो भी कही गई है, लिखी गई है, करी गई है, वो रेलेवेंट नहीं होंगी सेक्शन 10 में। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केस है मिर्जा अकबर वाला वो आपको खुद से एक बार रीड करना है, इंपॉर्टेंट केस है। अब चलिए कुछ पीटी के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू और मोर पर्सन कॉन्स्पायर टूगेदर किस लिए, टू कमिट एन ऑफेंस नंबर वन, दूसरा टू कमिट एन एक्शनेबल रॉन्ग। कोई भी चीज जो कही गई है, लिखी गई है, करी गई है किसी भी एक पर्सन के द्वारा इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये भी पूछा गया है पीटी में, इन रेफरेंस वर्ड है या कोई और वर्ड है, ऐसे पूछ लेते हैं कि इन रेस्पेक्ट या इन रिलेशन या इन रेफरेंस, तो आपको एक एक वर्ड पे कमांड होनी चाहिए इस सेक्शन के। इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम, वो क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी टू इट। तो ये था हमारा सेक्शन 10। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यह है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा, बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।